चले बात कश्मीर की करते हैं। दरअसल आतंकवादियों को पैसे मुहैया कराने के मामले में जांच के सिलसिले में एनआईए ने सोमवार को अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अलगाववादियों ने कश्मीर बंद का ऐलान किया और मंगलवार को कश्मीर बंद जैसे हालात भी नजर आए। हालांकि कश्मीर बंद का ऐलान अलगाववादियों का इतना कारगर साबित नहीं हुआ। हालांकि बाजार जरूर बंद लिखे लेकिन आवाजाही यातायात व्यवस्था में उतना बंद नहीं था और यातायात चल रहा था। कश्मीर में हड़ताल का असर पूरे कश्मीर में थोड़ा बहुत जरूर देखने को मिला है। बाजार बंद नजर आए लेकिन यातायात व्यवस्था ठीक थी और कहीं ना कहीं जो अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है जिसमें सैयद अली शाह गिलानी के दामाद समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद मंगलवार को कश्मीर बंद का ऐलान अलगाववादियों की तरफ से किया गया था। बाजार बंद रहे लेकिन आवाजाही चलती रही जिसकी वजह से ये जो बंद था वो ज़्यादा कारगर साबित हुआ।